मध्य प्रदेश के रीवा में एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है, जबकि दूसरा ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल है। हादसा गुरुवार रात करीब 11:30 पर हुआ। प्लेन मंदिर के शिखर से जा टकराया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण कोहरा बताया जा रहा है। घटना रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के उमरी गाँव की है। उमरी गाँव अड्डे में फाल्कन कंपनी ट्रेनिंग देती है और आपको बता दें कि रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर में फाल्कन एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग देती है। रात करीब 11:30 पायलट कैप्टन विमल कुमार बिहार के पटना के रहने वाले छात्र सोनू यादव को ट्रेनिंग दे रहे थे, तभी उनका प्लेन मंदिर से जा टकराया। इस दौरान जोरदार धमाका हुआ। प्लेन का मलबा चारों ओर बिखर गया। इस इलाके में घरों में सो रहे लोग दहशत में आ गए। विमान में दो लोग सवार थे, जिसमें ट्रेनिंग दे रहे पायलट की मौत हो गई है। एक अन्य व्यक्ति घायल है, उनको मेडिकल कॉलेज रीवा में भर्ती किया गया है। घटना के आसपास एरिया को सुरक्षित कर आगे की जांच की जा रही है, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। फाल्कन ट्रेनिंग एकेडमी का जो प्लेन है, कल रात को 11:45 के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसमें दो लोग सवार थे, इसमें ट्रेनिंग देने वाले जो पायलट थे उनकी डेथ हो गई है और दूसरे व्यक्ति का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है मेडिकल कॉलेज में। और अभी पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने पुलिस फोर्स लगा के सिक्योर कर लिया है, गार्डन ऑफ कर दिया है, जिससे कि जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज अपनी इसमें इन्वेस्टिगेशन करती हैं आगे, वो अपनी टीम लेकर आएँ और आगे इन्वेस्टिगेशन अपना कंप्लीट कर सकें और जो भी कारण इसके मूल रहे हैं उसको वो लोग ज्ञात करके अपनी आगे कार्रवाई कर सकें।